गाइस कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं काफ़ी दिन से, अगर आप देखोगे तो मैंने SBI में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। मैं एक्चुअली हेजिंग करता हूँ, मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करता नहीं हूँ मार्केट में। और यूजली अगर मुझे लगता है कि कोई मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, अगर मार्केट वॉलेटल है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैं सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करता हूँ। मैं एग्रेसिव जाता नहीं हूँ, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके काम करना मुझे मज़ा आता है। और मुझे अगर कम लॉस होगा चलेगा, मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करके पैसा गंवाना नहीं चाहता, ठीक है। मैं स्पेकुलेशन पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली मैं जो स्टॉक्स लेता हूँ वो स्टॉक्स अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उसके बेस में उसको प्लच कर देता हूँ, और उसको प्लच करने के बाद मैं डेरिवेटिव में उसको लिमिट यूज़ करके, और मैं थोड़ा बहुत स्प्रेड मार्जिन रख देता हूँ यूज़ करने के लिए, और उसके बेसिस पे मैं स्ट्रेटजीज बना के ट्रेड करता हूँ, जिसमें मुझे मार्जिन भी कम लगे, ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो और मैं भी अपना काम करते रहूँ, ठीक है। क्योंकि वर्किंग आवर्स में मुझे टाइम मिलता नहीं है यूजली डेली बेसिस में ट्रैक करना, तो मैं क्या करता हूँ कि जो रेंज बनाता हूँ वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मैं वो रेंज पे काम करता हूँ, ओके गाइस। तो अल्टीमेटली गाइस मैंने, अगर आप ये देखोगे, लास्ट एक महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ SBI को, SBI का जो रेंज है ना गाइस वो करीबन 404 से लेके 440 के अंदर घूम रहा है, ठीक है। वो 440 के ऊपर गया ही नहीं, ओके, मतलब 440 442 के अंदर ही ये मूवमेंट दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, अगर मार्केट वॉलेटाइल भी होता है, ठीक है, SBI इतना मूवमेंट दे रहा नहीं है, ओके। और लास्ट डेढ़ महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ SBI को, और ये रेंज के अंदर ही मैंने अच्छा पैसा बना लिया, ओके। अभी मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर SBI को अगर लोग ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी काउंटर है जो ऊपर चले गए और SBI में इतना मूवमेंट नहीं आ पा रहा है डिस्पाइट मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अभी जुलाई के कॉल राइटिंग इतनी बढ़ रही थी 430 के लेवल पे, तो वो सडनली जो मार्केट भी डिप हुआ तो ये करीबन 420-418 तक आया था, उसके बाद वो ये वापस बाउंस बैक दिया, क्योंकि कॉल राइटर्स जो रहते हैं वो वहाँ से निकल गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है गाइस, ये राइटिंग भी आपको देखना पड़ेगा, और एग्रेसिव मतलब राइटिंग के हिसाब से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि SBI का जो मूवमेंट है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा ट्रेड करके काम करता हूँ, मैं एग्रेसिव जाता नहीं हूँ। तो अगर आप ये देखोगे, मैंने ये अगस्त की स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें एकदम मैं इन द मनी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे जिसमें अगर आप देखोगे तो 405 का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, 460 का मैंने 2 सेल किए हैं और 490 का मैंने 1 बाई किया है। तो गाइस जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे ना, आप बायर सेलर का डिफरेंस देख लेना, क्योंकि आप डिफरेंस जब देखेंगे, अगर आप सेलर अगर सपोज काफ़ी दूर है, ठीक है, तो आपको वो रेट बराबर मिलेगा नहीं। तो आप रेंज देख के काम करना, तभी आपको एग्जीक्यूशन बराबर होगा और आपका लॉस होने का चांसेस कम होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मार्केट पे मार दोगे गलती से और सेलर ऊपर पे रहेगा तो आपका बाय हो जाएगा हायर रेट पे, तो अल्टीमेटली फिर बनता नहीं है स्ट्रेटेजी का, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आप देख समझ के ट्रेड मारना, अगर आप यहाँ फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ पे नीचे देखिए 425 का पुट मैंने बाय किया है और 405 के मैंने 2 शॉट किए हैं और 400 का मैंने पुट बाय किया है। तो इसका देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ऊपर का जो ट्रेंड दिखा रहा है इसमें 43,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और इसमें मैक्सिमम लॉस आपको 14,000 का दिखा रहा है। इसकी ब्रेक इवन 430 है, ठीक है। मैं 430 क्यों रख रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास 40 दिन है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 40 दिन में अगर ये 430 के भी ऊपर रहेगा, और ये गलती से देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 440 या 442 के इधर भी आके बंद हुआ तो मेरा काम हो गया, मतलब 20,000 तो मुझे बैठे बैठे आ रहा है, ओके, एक्सपायरी के दिन। और अगर गलती से ये देखिए, अगर ये ऊपर चला गया और अगर मार्केट में ये ऊपर चला गया, अगर 460 के इधर बंद हो जाता है, तो आप देखिए आपको करीबन 42,000 रुपये मिल जाएगा, ये छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए आप रेंज, आप मार्जिन कितना लगा रहे हैं, 90,000 रुपया, और एक्सपेक्टेशन आप अगर रख रहे हो आप 10% से 15% की, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे देखिए आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, देखिए मैंने ये रिस्क को ना कम रखा है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये आपको डिफरेंस, या अगर सपोज 406 के इधर बंद हो गया तो देखिए 7,000 का रिस्क है, उसके नीचे जाता है तो रिस्क आपका 11,000 का, ऐसा करके आपका रिस्क बढ़ेगा। तो ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू के सबसे चेंज होगा, तो अभी अल्टीमेटली अभी ये तुरंत नहीं दिखाएगा, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वॉलेटिलिटी चेंज होती है, टाइम वैल्यू जैसे जैसे घटता है, उस तरह से मार्केट में मूवमेंट आता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए जितना भी ऊपर जाता है ना ये स्ट्रेटजी में, आपको इसमें बिल्कुल लॉस नहीं है, देखिए ये हम लोग ने ऐसे प्रोटेक्ट किया है। अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है SBI में, तो ये यहाँ पे देखिए 490 जाना थोड़ा तो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है,
मार्केट में तो देखो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बोल नहीं सकते, बट अल्टीमेटली अगर मैंने रेंज जो रखा है वो करीबन 17% ये 16% रखी है लास्ट 40 दिन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये इसके अंदर बंद हो जाता है, ये ट्राइंगल शेप जो दिखा रहा है, अगर इसके अंदर बंद होता हो जाता है ज़बरदस्त पैसा आ जाएगा, अगर इसके नीचे बंद होता है हो जाता है तो मुझे फिर वो मैं आपको जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हेजिंग कैसे करना है उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, इसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये होता है, ये कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उनको ये समझने इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे हेज करोगे अपने पोर्टफोलियो को, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली बचाओगे, ठीक है, और कैसे मैनेज करोगे पोर्टफोलियो को, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो होता है, ये कोई आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए या ज्ञानबाजी देने के लिए नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।